हैदराबाद और उन्नाव केस के बाद जहां एक ओर निर्भया के दोषियों को फंदे पर लटकाने की मांग ने जोर पकड़ा, वहीं निर्भया के साथ हुई वारदात के दौरान निर्भया के साथ मौके पर मौजूद दोस्त अवनिंद्र अभी कहां पर हैं, इसके बारे में गोरखपुर में रहते हुए उसके परिवार वाले किसी को भी कुछ बताना नहीं चाहते हैं, जबकि उनके घर पहुंचे मीडिया वालों को वो मना नहीं कर पाए और बार बार पूछने पर उन्होंने आखिर में बता ही दिया कि अब अवनिंद्र कहाँ है और क्या कर रहा है। उन्होंने अपने बेटे की इच्छा को भी बताई। दरिंदों का सामना करने वाले अवनिंद्र आज गुमनामी का जीवन जीने को मजबूर हैं। निर्भया के साथ मुश्किल के वक्त में हमलावरों का सामना करने वाले अवनिंद्र के बारे में आज किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। 16 दिसंबर की घटना के बाद कई दिनों तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद अवनिंद्र अब किसी गुमनाम स्थान पर रहते हैं। परिवार गोरखपुर में रहता है। अवनिंद्र के घर के लोग नहीं चाहते हैं कि उनके बेटे के बारे में किसी को भी कोई जानकारी दी जाए। निर्भया मामले पर जब मीडिया की टीम गोरखपुर के तुर्कमानपुर स्थित अवनिंद्र के घर उनके बारे में जानने पहुंची तो वहां उनके पिता भानु प्रताप पांडे मिले। गोरखपुर के नामी वकीलों में से एक कहे जाने वाले भानु प्रताप से शुरुआती बातचीत के बाद जब 16 दिसंबर की उस वारदात पर बातचीत शुरू हुई तो वो भावुक हो गए। भानु प्रताप पांडे ने कहा कि इस घटना को 7 साल हो गए हैं, अब तो उनका बेटा दूसरी जिंदगी जी रहा है। अवनिंद्र से इस हादसे के बाद इतने सवाल पूछे गए कि वो इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा था, इसलिए ये तय था कि अगर अवनिंद्र दिल्ली या फिर गोरखपुर रहता है तो अपनी आने वाली जिंदगी के लिए कुछ भी बेहतर नहीं कर सकता था, पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अवनिंद्र महाराष्ट्र के पुणे में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। इन दिनों प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर के पद पर विदेश में कार्यरत है। निर्भया के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से फंदे पर लटकाने की सजा बरकरार रहे, उसकी ये हमेशा से इच्छा रही है। निर्भया के बारे में अवनिंद्र का कहना था कि हर पल एक दर्द सताता है कि दोस्ती अधूरी रह गई, दोस्त का हर पल साथ देने का वादा टूट गया, काश मैं उसे बचा पाता। कहीं ना कहीं दिल में हर पल अपराध बोध होता है कि राजधानी पहले जागी होती तो वो आज हमारे बीच होती। अवनिंद्र का मानना है इंसाफ मिला पर अधूरा, जबकि एक सुकून है कि कम से कम उसके बहाने ही सही देश के कानून में कुछ बदलाव और जनता में जागरूकता तो आई, लेकिन महज 5 से 10% ही बदलाव आया है।